झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की कीमत राजद से बिहार में वसूलने की तैयारी में है। झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव में 12 विधानसभा सीटों पर अपनी दावेदारी कर राजद सहित महागठबंधन के अन्य दलों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर से तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। झारखंड में महागठबंधन का प्रमुख दल झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बिहार में भी अपनी हिस्सेदारी चाहता है। झामुमो ने अब बिहार विधानसभा चुनाव में 12 ऐसी सीटों पर दावेदारी कर दी है जिसमें ज्यादातर सीटें राजद की सीटिंग सीटें हैं। क्षेत्र है, सबको उसमें एकोमोडेट करना है। हमने केवल 12 जगहों पर फोकस करके काम किया जहां हम चुनाव लड़ेंगे। उसमें पहला तारापुर है, दूसरा कटोरिया जो एसपी सीट है, तीसरा मनिहारी वो भी एसपी सीट है। झामुमो ने तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, प्राणपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई विधानसभा सीट महागठबंधन में अपने लिए मांगी है। इन सीटों में से 2010 में चकाई में झामुमो के विधायक के रूप में सुमित सिंह जीत चुके हैं। झामुमो ने बिहार की 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कटोरिया और मनिहारी पर भी अपनी दावेदारी की है, जहाँ राजद की स्वीटी हेम्ब्रम और कांग्रेस की मनोहर सिंह विधायक हैं। इनमें से अधिकतर सीटें ऐसी हैं जो राजद के प्रभाव वाली हैं। झामुमो का जनाधार बिहार में नहीं होने के बावजूद 12 सीटों पर दावेदारी को अपने रूप से सही ठहरा रहे हैं। झामुमो झारखंड में राजद के एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को मंत्री बनाने की दुहाई भी दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी बातें इसलिए नहीं होनी चाहिए कि राजद के साथ हम लोगों ने यहाँ पर गठन किया था, उनको 7 सीटें दी थी। और आपको स्मरण होना चाहिए कि एक सीट जीतकर आने वाले को भी हम लोगों ने ससम्मान मंत्री बनाया। तो हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारा जो वहां पर वजूद है उस अनुरूप वहां पर हम लोगों को सम्मानीय सीट मिलेंगी। राजद के कोटे में जाने वाली सीटों पर झामुमो ने दावेदारी कर महागठबंधन को पेच में डाल दिया है। राजद का मानना है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कई ऐसी सीटें थीं जिनमें मनिका को कांग्रेस ने और गढ़वा को झामुमो ने जबरन राजद से छीनने का काम किया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एवं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी इसमें अंतिम निर्णय लेंगे, लेकिन जहाँ तक सीटों के बंटवारे का सवाल है, झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल बहुत बलिदान किया है। बहुत सारे अपने अपने सीट जहाँ पर सीटिंग हुआ करता था, ये सारे सीट को तिलांजलि देते हुए जेएमएम को मदद किया है। और जेएमएम राजद के नेता अब झामुमो के दावेदारी को लेकर संयुक्त बिहार में हुए गठबंधन को अपना आधार बता रहे हैं। 1952 से जब ये लोग बिहार में थे, जब बिहार एक था, तो उस समय भी जो जेएमएम का सीट अगले कई बार गठबंधन भी हुआ है। तो गठबंधन के तहत जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार झारखंड में बिहार में जब थी, उस समय भी गठबंधन में चुनाव हुए हैं। जेएमएम के साथ गठबंधन हुआ है, लोकसभा के चुनाव में भी हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो झारखंड के क्षेत्र में जो आते थे विधानसभा और लोकसभा, उसी लोकसभा क्षेत्र में हम लोग गठबंधन में समझौता किए हैं जेएमएम के साथ। राजद से झामुमो झारखंड के मंत्री पद की कीमत बिहार में वसूलने की इरादे से दावेदारी की है। बिहार में पहले ही हम, रालोसपा और कांग्रेस राजद को आंखें दिखाकर अधिक सीटें हासिल करना चाहते हैं, तो वहीं अब नई मुसीबत के रूप में राजद के लिए झामुमो भी सामने आया है। लेकिन बिहार में महागठबंधन के स्वरूप को अंतिम रूप देने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूरी तरह से जिम्मेवार होंगे, जिसके लिए अभी झामुमो को इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि झामुमो ने नई बिसात बिछाकर राजद और महागठबंधन के अन्य दलों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मुखर संवाद के लिए विशु विशाल के साथ
अशोक कुमार की रिपोर्ट।